खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल बिनोला गुड़गांव। नमस्कार, मैं प्रीति सिंह, वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शमशान घाट से बच्चे का शव गायब होने का मामला आया सामने। अविराज वर्ल्ड स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का किया गया आयोजन। चेयरपर्सन जस्टिस निर्मल यादव ने किया ध्वजारोहण। नगर पालिका धारूहेड़ा ने बड़ी धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। चेयरपर्सन सुदेश बोरा ने किया ध्वजारोहण। धारूहेड़ा बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया आजादी दिवस। पेड़ लगाकर दिया प्राण सुरक्षा का संदेश। धारूहेड़ा बेस्ट टेक सोसाइटी ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। प्रस्तुत किए गए भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। अलवर के प्रताप बांध स्थित शमशान घाट में दबे बच्चे का शव गायब होने का मामला सामने आया है। अलवर के मुंशी बाजार निवासी पंकज के 2 माह के बच्चे का शव शमशान में दफनाने के बाद गायब हो गया, जिसके बारे में शमशान में मौजूद बाबा से परिजनों ने पूछा तो परिजनों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज करा दी है। परिजनों ने शव चोरी होने का आरोप लगाया है। अलवर के बीच का मोहल्ला निवासी पंकज के 2 माह के बच्चे की बीमारी के चलते मौत हो गई, जिसके बाद परिजन बच्चे के शव को मंगलवार को सुबह शमशान में दफनाकर आए और दोपहर में एक बार वह देखकर आए, तब तक यथास्थिति परिजनों को मिली। लेकिन दोपहर कुछ घंटों बाद जब परिजन वहां गए तो सब कुछ उथल पुथल मिला। गड्ढे में से बच्चे का शव भी गायब मिला। इसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और जब परिजनों ने इधर उधर जांच पड़ताल की तो जिस कपड़े में बच्चे के शव को लपेटा हुआ था वह कपड़ा गड्ढे से कुछ दूर मिला। घटना के बाद परिजनों ने काफी जगह तलाश की लेकिन बच्चे का शव नहीं मिला और जब परिजनों ने वहां मौजूद बाबा से जानकारी लेना चाहा तो उनमें कहा सुनी हुई और वह झगड़ा हो गया। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद भी न ही बच्चे का शव न ही बच्चे के अवशेष वहां मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि जब वह जानकारी जुटाने गए तो वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की और बच्ची की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी। जानकारी आई थी, मौके पे गया था। मौके पे वो शमशान घाट में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और पहाड़ी के नज़दीक है, झाड़ है। मौका देखा तो गड्ढा खुदा हुआ था, इसमें मिट्टी चार तरफ फैली हुई थी और वहाँ कोई आदमी के पैरों के निशान या खोज वगैरह नजर नहीं आए। वहाँ जानवर जैसे निशान जरूर नज़र आए थे और जो कपड़ा जिसमें बता रहे थे बच्चा इसमें था, वो कपड़ा भी वहीं जंगल की तरफ पड़ा हुआ था और वहाँ आदमियों का ऐसा कोई निशान आप साफ देखा? हाँ नहीं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जानवर देखो। जानकारी इस बारे में की थी लेकिन वहाँ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। बाकी वहाँ खोज से ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं, उसके पास आसपास झाड़ी में खूब देखा हमने, बाकी पहाड़ है जंगल है, वहाँ कोई रिपोर्ट आएगी तो कुछ कार्रवाई होगी। वहीं शमशान घाट में रहने वाले साधु का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 2 शरारती तताव थे, बल्कि 3-4 ही थे यहाँ पे शरारती तताव आए, आगे मेरा गिरेबान पकड़े, मेरे साथ मारपीट की उन्होंने। जब उनसे मना करो तो ये सुनी कई दफा, हर बार यही रहता है कि जानवर निकाल के ले गया। बाइक आधा कल भी पुलिस वाले आए, पंजा दिखाई दिया उनको कि गिर गया, कि वो किसका गिर का वो पंजा दिखा उनको, सब कुछ बताया उन्होंने, बाइक आधा बताया।
यहाँ पर तो रोजाना आए दिन का शरारती तताव का दादू को दंगा का वो है। ये गेट गेट का एरिया है, बाकी जानवर है, जानवर तो आप जानते हैं कहीं से भी आते हैं कहीं से भी जाते हैं। जड़क जड़क जो है यही सुअर हो गया, कुत्ते हो गए, सब वहीं घुसे रहते हैं रात दिन। ये मेरा नाम राजनाथ है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मौके का मुआयना किया जा चुका है और वहां ना तो शव मिला और न ही शव के अवशेष, लेकिन हालातों से पता चलता है कि किसी जानवर द्वारा वह खोदा गया है। मामले की जांच की जा रही है। अविराज वर्ल्ड स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन स्कूल के चेयरपर्सन व सेवानिवृत्त न्यायाधीश पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय श्रीमती निर्मल यादव को बच्चों ने बैच लगाकर किया। समारोह में बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए व नृत्य किया। बच्चों ने समारोह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मंगल पांडे व महात्मा गांधी जैसे अनेकों शहीदों को नमन किया। स्कूल के चेयरपर्सन ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को विदेशी सभ्यता से बचने में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को अपनाने के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि आज विदेशी लोग हमारी संस्कृति व सभ्यता को अपना रहे हैं और हम अपनी सभ्यता संस्कृति खोते जा रहे हैं। आज हमें जागरूक होकर अपनी सभ्यता को बचाना चाहिए। अंत में चेयरपर्सन ने सभी बच्चों व अध्यापकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। समारोह का समापन राष्ट्रीय गीत गाकर किया गया। धारूहेड़ा के नगर पालिका प्रांगण में आजादी के सत्तर स्वतंत्रता दिवस जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। इसमें नगर पालिका के पार्षद व चेयरपर्सन सुदेश बोरा ने ध्वजारोहण किया। भिवाड़ी की सामाजिक संस्था बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी ने धारूहेड़ा स्थित जैन मंदिर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया। इसमें वार्ड पार्षद प्रेमदास लोधी ने ध्वजारोहण किया तथा विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज के 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बिजनौर वेलफेयर एसोसिएट सोसाइटी ने जो ध्वजारोहण प्रोग्राम किया और इसके साथ ही पौधारोपण का प्रोग्राम किया, बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया है और देश के हित में काम किया है, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर हमारी सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि हम वृक्षारोपण करेंगे। वृक्ष का महत्व जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप सब लोगों के सहयोग से संपन्न किया है और वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम वृक्ष लगाएंगे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2013, हम ये इसकी 67वीं सालगिरह पर समाज के सभी लोगों को लख लख बधाइयाँ। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि सोसाइटी के माध्यम से एक संकेत मात्र है कि समाज में हमें समाज के भले के लिए सदा अग्रसर रहना चाहिए, परोपकार की भावना, क्योंकि वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जिससे समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलता है। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते, समाज के लिए समर्पित होते हैं। जिस प्रकार से समाज में पेड़ का अपना एक अहम रोल होता है, इसी तरह इंसान भी अगर परोपकार की भावना अपने मन में रखे, दूसरे के फायदे के लिए, दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ऐसे थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर समाज के लिए दे, तो समाज में वाकई एक जागृति आ सकती है, एक मिलमर्तन का भाव पैदा होगा। धारूहेड़ा स्थित हाउसिंग सोसाइटी बेस्ट एक्ट में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता दिवस जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें बेस्ट एक्ट सोसाइटी के अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। वहीं महिलाओं व बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं कहूँगा आज के दिन हमारा 67वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में हमने सभी ने इकट्ठे होकर के इस बेस्ट एक लाइट के अंदर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का टाइम था 8:15 बजे। हम ही सभी बच्चे, लेडीज, जेंट्स इकट्ठे होकर के ध्वजारोहण किया है और उसके बाद हम सभी मिलकर के अपने छोटे इवेंट्स कर रहे हैं, बच्चों का, जेंट्स का, लेडीज का, और सबको ही बता रहे हैं। बारी बारी अपना अपना जैसे जिसका विचार है वो विचार रख रहा है, और देश आज़ाद कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे कुर्बानियाँ दी गई, कैसे कैसे उन्होंने दुख सहन किए, आंदोलन किया, जेल गए और वो तो चले गए, हम आज देश का आनंद उठा रहे हैं। हमारी टाउनशिप का प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह है। हम सभी लोगों ने राष्ट्रपिता को, हमारे राष्ट्र को सम्मान देने के लिए, उन शहीदों को याद करने के लिए जिनकी अनगिनत शहादत से हमने देश की स्वतंत्रता हासिल की, उन्हीं को सैल्यूट देने के लिए हमने छोटा सा प्रोग्राम किया। तो नो डाउट बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किया है उसके लिए आज हमने उनको जो सम्मान प्रकट किया है और ये हमारी शुरुआत है, आगे आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। आज़ादी का दिन है, जैसे हम आज़ाद हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे फंक्शन कर रहे हैं,
बहुत अच्छा लग रहा है। बता देते सर, कुछ नहीं पता था इसलिए अगली बार से तैयारी कर जल्दी में हुआ। अच्छा लग रहा है, आगे हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेडीज़ के लिए भी रखेंगे प्रोग्राम्स। वैसे है यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी म्यूजिकल चेयर वगैरह, बच्चों को सीखने के लिए मिलता है, इससे बहुत कुछ अपने देश के बारे में पता लगता है, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा जो उन्होंने इतना बहुत बड़ा उपराला किया, बहुत कुछ। खबरें अभी और भी है, आप बने रहिए बीटीवी के साथ, हम अभी हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम टू स्टारेक्स इंटरनेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। किड जोन, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, रेसिडेंशियल कम डे स्कूल, एसी हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हॉर्स राइडिंग क्लास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्विमिंग क्लास। Admission open 2013-2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124-237-999-01-0203. RDS Public School English Medium Co-Educational Affiliated to CBSE New Delhi Opposite Tehsil Dharwada. A clean, green and pollution-free environment. A good library with a wide range of books. Physics, Chemistry, Bio Labs, Well-Furnished Computer Lab, Nursery to 12th, Art, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Audio-Visual Classrooms, 816-000983. Our website www.rdsschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भिवाड़ी स्थित भिवाड़ी उत्पादक संघ व रोटरी क्लब इंटरनेशनल के बीच 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मित्री क्रिकेट मैच हुआ। इस क्रिकेट मैच का उद्देश्य था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें तथा मित्रता का संदेश देना। वैसे तो यह क्रिकेट मैच सामाजिक संगठनों व सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, परंतु इस बार यह मैच दो संस्थाओं के बीच में हुआ। आज 15 अगस्त के दिन भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और रोटरी क्लब ऑफ भिवाड़ी के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन यहाँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल में किया गया है। और 15 अगस्त के दिन, जो आज का दिन वैसे भी एक भाईचारा और कई तरह की स्पोर्ट्स, कहीं पर पतंग उड़ाई जाती है, कहीं पर कुछ मिलना जुलना होता है, तो यही एक मौका है और एक बहाना है कि जो आए दिन हम एक दूसरे से काम के सिलसिले में ही मिलते हैं, तो आज जो है प्योर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक दोस्ती और भाईचारे के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, दिन में यहाँ रहेंगे, खेलेंगे और ये मैच रहेगा। भारतवर्ष एक इतना अच्छा, एक इतना अनोखा देश है, इसमें अनेकों संस्थाएं सामाजिक सौहार्द के ऊपर हमेशा कार्य करती रही हैं। रोटरी क्लब भी उन्हीं में से एक संस्था है। रोटरी क्लब भिवाड़ी इस तरह की आयोजन कई वर्षों से लगातार करते आए हैं। रोटरी क्लब हमेशा अपनी जिम्मेदारी इस चीज़ में महसूस करता है कि हम समाज के प्रति क्या कर सकते हैं, और उसी के अंतर्गत आज का ये एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें रोटरी वर्सेज भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के बीच में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक हम आम तो रोज़मर्रा की भागदौड़ की ज़िंदगी है, थोड़ा उससे बाहर निकलें और अपने आप को, अपनी एक तरह से बैटरी को रिचार्ज करें, और एक प्यार मोहब्बत जो हम लोग कई बार आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं लंबे लंबे समय तक, या मिलते हैं तो जैसा कि अभी हमारे साथी श्री संजय खन्ना जी ने बताया कि हमेशा काम के सिलसिले में मिलते हैं, तो कभी कभी बिना काम के भी हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ हंसें, खेलें, बोलें और उस अपने अंदर के जीवन को जो छिपा हुआ है उसको बाहर निकालें, उसी के अंतर्गत ये आयोजन किया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा आगे भी ये परंपरा हम जारी रखेंगे। 67वीं जो स्वाधीनता हम मना रहे हैं, 66 पूरे कर चुके हैं, उसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, खुशी के लिए ये सौहार्दपूर्ण मैच रखा गया है। लोकल वो भी हमारे भाई हैं, एक ही परिवार है, लेकिन इस बहाने सब मिल बैठ के इसका आनंद उठा सके और अच्छा संदेश आगे चला जाए, सबको अपना बचपन याद आ रहा है। आज ऋतु जी, जानना चाहूँगा आज इनर व्हील क्लब की तरफ से किस तरह का आयोजन रखा गया, या फिर रोटरी क्लब को ही सपोर्ट कर रहे हैं? रोटरी क्लब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तो ऑडियंस में बैठे हैं या आप भी क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं? नहीं, ऑडियंस में बैठे हैं इनको चेयर करने के लिए। आनंद ले रहे हैं? आनंद तो क्या, ऑब्वियसली लेंगे। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के। तो इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिला या इससे पहले भी आपने कभी अटेंड किया था? हाँ, किया है, पहले भी किया अटेंड। तो कैसा महसूस होता, किस तरह का? काफी सपोर्टिव होता है, काफी
काफ़ी सीखने को मिलता है, लोगों से फ्रेंडशिप करने का भी अच्छा मौका मिलता है और ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब रोज भाग दौड़ से अलग और थोड़ा सा अपने लिए कुछ करने का, अपने लिए जीने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत इंस्पायर हो रहे हैं इस टीम से, कितना अच्छा खेल रही है और एंजॉय कर रहे हैं, मौसम का भी एंजॉय कर रहे हैं और उनके गेम की देखते हुए भी एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सामाजिक काम अच्छा कर रही है, उसमें समय भी अच्छा दे रही है, साथ में परिवार में भी पूरा समय दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि सामाजिक कार्य के साथ साथ सिर्फ परिवार में समय नहीं दे रही, दोनों जगह अच्छा समय दे रही है। बिंदास अच्छा सेलिब्रेशन जिसमें हम सब ने एंजॉय कर। तो आप एम्पायर की भूमिका में? मैं तो सपोर्टर की भूमिका हूँ, जय रोटरी। किसी को जाने को क्या क्या कहेंगे? बीएमए भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं पर इस समय तो कंपटीशन का टाइम है, तो मैं रोटरी की तरफ से वंस अगेन आज बीएमए की तरफ से हम खेल रहे हैं जी जी। और तो बेसिकली हमारा आज खेल क्रिकेट का नहीं है, बेसिकली ये है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम एक मनोरंजन करें, एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि सब मिलजुल के रहें, ये मैसेज है, बेसिकली ये मैसेज है, हार जीत का कोई मायने नहीं रखता, हम मिलके सब खेलना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे आज युवा साथियों को, जो जिस तरह से आज आपने मैसेज छोड़ा है, तो और युवा साथियों के लिए क्या मैसेज? युवा साथियों को ये कहते हैं कि हम कभी एक अपने आप को कितनी भी उम्र हो जाए वो बूढ़ा नहीं समझे अपने आप को और हमेशा युवा रहें, दिल से अगर जवान है तो हमेशा जवान रहेंगे। सर ये हमारा एक मैत्री मैच है बीएमए वर्सेस रोटरी और ये हम हर वर्ष करते हैं, हर वर्ष हमारा बीएमए वर्सेस गवर्नमेंट ऑफिसर्स होता है, इस बार हमारा रोटरी वर्सेस बीएमए टीम है और ये अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच हो रहा है, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और आपस में इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए हमारे वर्ष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमारी सबके साथ शुभकामना। मस्त मैच हो रहा है, रोटरी क्लब जीतेगा हमारा, कहना क्या है? ये मित्रता का बताया गया तो आप सपोर्ट कहाँ दे रहे हैं? हम तो दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो नहीं रोटरी के साथ है, सपोर्टिंग दोनों को, तो रोटरी के चक्के के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, रोटरी की टीम जीतेगी हमारी, वैसे मित्रता का मैच है, बीएमए और रोटेरियन सारे एक ही है, सब लोग एक है और एक आज स्वतंत्रता दिवस है तो बढ़िया खेल। भिवाड़ी की जानी मानी सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगाया निशुल्क स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर। इस शिविर में गुड़गावा के मदांता हॉस्पिटल की टीम ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। हम आपको बता दें कि इस रक्तदान शिविर में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें हमारे जैसे कि आपने देखा होगा जो मेदांता के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं वो आए हुए हैं और उनके द्वारा हृदय रोग की जांच हो रही है। इसमें इसके साथ साथ जहां पर हम ब्लड शुगर की जांच करा रहे हैं और इसके साथ ही जो स्पायरोमीटर अस्थमा की जांच होती है वो हो रही है, इसके साथ साथ हमारी न्यूरोपैथी की जांच हो रही है, इन सबों की जांच हो रही है यहाँ पर और साथ में हमने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया है। तो कितने युवाओं ने इसमें ब्लड डोनेशन दिया है लायंस क्लब के? देखिए लायंस क्लब अभी चल रहा है, अभी एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन ये अभी 60 के पार कर गया है जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, तो मेरे ख्याल में जब तक ये चलता रहेगा तो ये 100 के पार कर जाएगा। तो आज आज़ादी के इस दिवस पर क्या शुभकामना संदेश देंगे युवा साथियों के लिए अपने सामाजिक कार्यकर्ता? दे रहा हूँ कि जो इस वक्त हमारे समाज की हमारे देश की जो हर प्रकार से जो व्यवस्था बिगड़ रही है उसको संभालने के लिए आगे आ जाए। सर बहुत बड़ा एक आयोजन था, मेदांता से जैसा डॉक्टर आए थे और अलवर से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हैं सर, भिवाड़ी में अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन। तो लियो क्लब किस तरह का फख्र महसूस कर रहे हैं, किस तरह का आयोजन किया है? सर फख्र तो हमें है क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है और हमारी आज़ादी का दिवस है, तो यहाँ पे अपने आप को शामिल करके हमें बड़ा फख्र महसूस हुआ। युवा साथी इसी तरीके से और उसे और जुड़े लियो क्लब में ताकि लियो क्लब और स्ट्रांग हो, अगले साल इससे ज़्यादा सुंदर बेहतर फंक्शन हम कर सकते हैं। लियो क्लब का उत्साह तो इतना है कि लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि आए ब्लड डोनेट करें, अगली बार के लिए और अच्छा कार्यक्रम का ये कर रहे हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, आगे लोगों को फ़ायदा हो। लोग इसको गलत समझते हैं कि भाई खून देने से कमजोरी आती है शरीर में कुछ, मगर मैं
मैं इतना जानता हूँ खून देने से एक तो शरीर में नया खून बनता है, दूसरा 15 दिन बाद ये नया खून वापस बन जाता है। ताकि जो लोग ये गलत फहमी समझते हैं कि भाई खून देने से कमजोरी होगी या ये वो, ऐसा गलत है और इसको गलत धारा ना बना के और अपने आप को रोके ना खून देने। तो ब्लड डोनेशन है क्या? महादान है सर, जीवन दान। तो आपने ब्लड डोनेशन अब तक अपने जीवन में कितने बार किया? मैं कम से कम 10 बार कर चुका हूँ। तो कैसा महसूस होता है जब ब्लड डोनेट करके जब आप बाहर आते हैं? तो सर ऐसा लगता है कि आप किसी को जीवन देकर आ रहे हैं, ये आपका खून दिया हुआ कल किसी को जीवन देगा। क्या 3 बार से पहले भी ब्लड डोनेट? कैसा महसूस होता है जब ब्लड डोनेट करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में आत्मखुशी होती है कि हमारा किसी के काम आता जी। तो अपने युवा साथियों के लिए क्या संदेश है आज आप ब्लड डोनेशन के लिए? सभी साथियों से और सारी संस्थाएं जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने में लगी हुई हैं, बाकी सभी आम जनता से यही करूँगा कि ब्लड डोनेशन कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इससे जो नया ब्लड आगे बनता है बहुत अच्छा ब्लड बनता है, तो ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और गौतम जी अगर यहाँ पे अभी नहीं है और ये काम हो रहा है तो मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी सारी संस्थाएँ मेरे साथ हैं। मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि गौतम जी मेरे साथ नहीं जी, बखूबी बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है और प्रोग्राम हो रहा है। और इसमें हमें यूँ नहीं सोचना चाहिए कि गौतम जी नहीं है। तो कुछ महिलाओं ने भी यहाँ पे रक्तदान किया है, तो क्या कहेंगे उन महिलाओं के लिए? हमारे यहाँ पे आके लियो क्लब की महिलाएं और जो बाहर से भी और संस्थाओं से भी महिलाएं आई हैं, उन्होंने अपना रक्तदान किया है। मैं उनको सबको यही कहना चाहूँगी कि रक्तदान से ज़्यादा महादान, रक्तदान महादान है, इससे ज़्यादा और कोई दान नहीं है। तो इसलिए सबको आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बच सकती है और इतना पुण्य का काम है कि अगर किसी की हमने एक की भी जान अपने से बचा दी तो इससे ज़्यादा कोई नहीं। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ने आपको क्या संतना दी, क्या बताया डॉक्टर साहब ने? जी जी एक ये सेकंड टाइम है, तो कैसा लग रहा है आज ये ब्लड डोनेट करके? तो क्या कहेंगे आप अपने सहयोगी और साथियों से? सबको करना चाहिए। इतनी अच्छी बात है, कुछ एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से अच्छी जी। ये ऐसे जो मैं विकास न्यास के कम्युनिटी हॉल में भारत विकास के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की प्रतिमा पर ज्योत प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के गीत ने सभी श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर रूप सिंह, सुनील गर्ग, विजय बंसल, मनोज जैन, मोहन गुप्ता व काफी गणमान्य लोग उपस्थित हुए। अलवर गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित जनता कॉलोनी मुक्सका निवासी हरवीर सिंह के मकान में बरसात के पानी के कारण 2 मंजिल इमारत गिर गई। मोहल्ले वासियों के सहयोग से सभी लोगों को मकान के अंदर से सही सलामत निकाल लिया। वे लोग मकान के बेसमेंट में थे। मकान के मलबे से घर का सारा सामान दब गया। उधर मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर विकास न्यास ने सड़क तो बनाई है लेकिन नालियां नहीं बन पाई। नालियों के न होने की वजह से मकान की नींव में पानी भर गए, सारा मकान गिर गया। इस मोहल्ले में ज्यादातर अंडरग्राउंड मकान बने हुए हैं। प्रशासन को फोन पर सूचना दी तो प्रशासन ने यह कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है। सर ये टाइगर कॉलोनी है और इसमें सर जो है नालियों का इतना अभाव है, हर मकान के अंदर इसी तरह का खतरा बना हुआ है जो आज इसी हरवीर के मकान का हुआ है। इसमें क्या है, कम से कम उसका 20 लाख का नुकसान इस आदमी का, गरीब आदमी का हुआ है। सारा तो मकान जो है नष्ट हो गया, उसके बाद सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया। और ये शुक्र है कि ऊपर वाले का कि इनके बच्चे या जनहानि का मामला कोई वो बच गया। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रशासन जो है यहाँ पे ये सीसी ना बनाकर इसके नालियाँ बनाई जाए तो इस पानी का निकास होकर एक तरफ जाए। क्या क्या चीज़ें खराब हो इसका सारा, तो देखो ऊपर नीचे अगर बेसमेंट का पटाव खत्म हो गया, ऊपर का खत्म हो गया, सारी दीवारें खत्म हो गई, शेष में जो तिराड़ें चल गई और इसका जो सामान है वो घरेलू सामान जो है फ्रिज से लेकर और नीचे तक का सामान जो होता, तो 9 और 10 के बीच में प्रशासन कोई नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ और मैं अभी सूचित करूँगा नगर परिषद जो देखो और कलेक्टर साहब को भी कहूँगा
कहूँगा, UIT वालों को भी कहूँगा। ये पानी की वजह से साहब हमारा मकान ढेगो सटेट, हाँ पानी भराया की वजह से मार, और सब सामान व्यस्त हो गए। कब हुआ था ये? कल 9 और 10 बजे के बीच में था। कैसे गिरा, क्या हो? ये सलीब नीचे तो पानी मेरे और पानी की वजह से। शिक्षा जगत में अपना अहम योगदान दे रहे स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर ने भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए मनाया स्वतंत्रता दिवस। पटौदी चेयरमैन ब्रह्मदत्त यादव ने ध्वजारोहण किया। स्कूल की प्रधानाचार्य ने बच्चों को भारत के उज्जवल भविष्य में सहयोग करने के लिए कहा। प्रधानाचार्य ने श्रोताओं को अपनी एक कविता सुनाकर मग्न मुग्ध कर दिया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शमशान घाट से बच्चे का शव गायब होने का मामला आया सामने। स्वतंत्रता दिवस समारोह का किया गया आयोजन, चेयरपर्सन जस्टिस निर्मल यादव ने किया ध्वजारोहण। नगर पालिका धारूहेड़ा ने बड़ी धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस, चेयरपर्सन सुदेश बोरा ने किया ध्वजारोहण। धारूहेड़ा बिजनौर वेलफेयर सोसाइटी ने मनाया आजादी दिवस, पेड़ लगाकर दिया प्राण सुरक्षा का संदेश। प्रस्तुत किए गए भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगस्त के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब व पीएम के बीच हुआ मिस्त्री क्रिकेट मैच। लॉन्स क्लब भिवाड़ी ने लगाया रक्तदान में मेडिकल चेकअप शिविर। बच्चों के द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुति। मकान गिरने से दबे 6 लोग, प्रशासन ने कहा छुट्टी है आज स्वतंत्रता दिवस। सारे स्कूल ने मनाया स्वतंत्रता दिवस, बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। ज्ञान वर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम के लिए बने रहिए बीटीवी के साथ। आज खबरों में इतना ही, मेरे साथ बीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक है स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल बिनोला गुड़गांव।